नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जाम बस आने ही वाला है और प्रीलिम्स के बाद मेंस और मेंस के बाद इंटरव्यू एंड आफ्टर दैट अगेन 2023 प्रीलिम्स एग्जाम, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि जो एग्जाम्स का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है, लेकिन इन सभी चलती हुई चीजों के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें निरंतर परेशान कर रही है, एंड दैट इज None other than distractions, ठीक है, जिसकी वजह से हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, हम अपने पर्टिकुलर गोल पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो स्पेशली जो आज का ये सेशन है, ये मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए टू स्टे फोकस टिल प्रीलिम्स 2022, जिसमें अब कुछ ही दिन बचे हैं और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या है वो तरीके जिनसे आप को होने वाली जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है उनसे आप बच सकते हैं, और दूसरी चीज फोकस रह सकते हैं, क्योंकि ये दो मुद्दे अगर आपने हासिल कर लिए, अगर इन दो मुद्दों पर फतह हासिल कर ली तो आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो उस टाइम पर हमें दुनिया जहान के काम याद आते हैं, उस टाइम पर ही हमारा फोन बजेगा, उस टाइम पे ही हमें कुछ अगर इम्पोर्टेंट लिखना है तो वो याद आएगा, और उसी टाइम पर हमें ये भी याद आएगा कि भाई किसने क्या कहा था जो कि हमें नेगेटिवली अफेक्ट करता है। जितनी भी तमाम नेगेटिव चीजें हैं वो हमें, हमारे दिमाग जो है उस टाइम पर ही उन चीजों की तरफ भागेगा, ना कि इस पर कि जो हमारा गोल है वो हमें करना है। इनफैक्ट अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो उस टाइम पर ही आपको आपके बॉस द्वारा दिए गए सारे टारगेट्स याद आ जाएंगे। अगर आप एक होम मेकर हैं, अगर आप घर पर रहते हैं, तो आपको घर से रिलेटेड सारी चीजें याद आ जाएंगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, घर के और जो भी अन्य काम है वो सारी चीजें। तो हम क्या करें कि हम इन सभी डिस्ट्रैक्शन से बचे रहें, और यस, नन अदर देन जो हमारा मोबाइल फोन है वो तो भाई सबसे बड़ा, ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी सोर्स है डिस्ट्रैक्शन की अभी एट प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो चीजें ध्यान में रखनी कि एक तो हमें अपनी डिस्ट्रैक्शन को कैसे कंट्रोल करना, और दूसरा ये कि जो हमारा मोबाइल फोन है जो कि वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको कैसे हमें हैंडल करना है कि वो हमें डिस्ट्रैक्ट न कर पाए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। सबसे पहले कुछ बेस्ट टिप्स आपके लिए हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्शंस को हटाने में, डिस्ट्रैक्शन से फतेह हासिल करने में आपको मदद मिलेगी। सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये कि आपको एक डेडिकेटेड टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। और अगर आप ये डेडिकेटेड टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं तो कम्युनिटी स्पेस पर जाएं, मुझे या सिद्धार्थ सर या किसी भी मेंटोर को आप टैग करके आप ये चीज़ लिखिए, या आप डायरेक्टली भी लिखिए कि आपका टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, हम खुद आपकी हेल्प करेंगे। दूसरी चीज़, जब सपोजिटली आपने अपना टाइम टेबल बना लिया, ठीक है, अब आप पढ़ने बैठ रहे हो, तो पढ़ने बैठो जब, तो उस टाइम पर अपने आपको स्मॉल स्मॉल टारगेट्स दो। लेट्स से 30 मिनट्स टारगेट आपने दिया, ठीक है, और आप इसको धीरे धीरे करके बढ़ाते जाइए, ऑब्वियसली दैट विल हेल्प यू। 30 मिनट्स टारगेट में ये होगा कि 30 मिनट के बाद आपको एक ब्रेक मिलेगा, और जब आप पढ़ने बैठे हो उस टाइम पर जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रही है ना, तो एक अपने साथ पेन और पेपर लेकर के बैठिए, और जो भी डिस्ट्रैक्शन दिमाग में आ रही है, सपोजिटली किसी को कॉल करना है, सपोजिटली डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है, या आपको कोई बिल भरना है, वो चीज़ आप उस पेपर पर लिखते जाओ, ठीक है। उठ के नहीं जाना है, अगर जैसे मान लीजिए सपोजिटली आपके दिमाग में कुछ एकदम से क्रैक किया, उसको जस्ट राइट इट डाउन ऑन दैट पेपर और आगे बढ़ जाइए, अपना पढ़ने लग जाइए। जब आप 30 मिनट के बाद उठोगे, ठीक है, अपना पहला टारगेट कंप्लीट, उस टाइम पर आपको क्या करना है, जितनी भी चीजें आपने लिख रखी हैं उस पेपर में, सबसे पहले जाके उसको कर लो, ठीक है। उसके बाद जो आपने 30 मिनट में पढ़ना है, ठीक है, उसको आपको एक गोल दे करके पढ़ना। सपोज करिए आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आपका गोल फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो उन 30 मिनट में आपको सिर्फ और सिर्फ FDs ही पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज पर ही कंसंट्रेट करना है, न कि BPSP हो गया या फंडामेंटल राइट्स हो गया या प्रेसिडेंट हो गया, कहीं और जाना जी नहीं। जो गोल आपने दिया है अपने आपको, उसी गोल पर स्टिक रहिए फॉर दोज 30 मिनट्स। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट देन जैसे ही आप इसको एक हफ्ते तक रेगुलर करोगे, अपने आप चीजें जो है वो प्लेस में आती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि आपको ये चीज आइडेंटिफाई करना है कि आखिर वो क्या चीजें जो आपके दिमाग में आती है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। सपोजिटली आपके दिमाग में YouTube देखने को लिया आता है, ठीक है, तो उसको लिख लीजिए। अच्छा, 30 मिनट बाद जब आप उठेंगे ना, YouTube खोल लीजिए
और उसमें कोई भी वर्थवाइल वीडियो देखिए जो कि आपकी पढ़ाई से ही रिलेटेड है। उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन एक तरफ तो ये समझ ही जाएगा कि भाई मैंने YouTube देख लिया, और दूसरी तरफ ये होगा कि अगर आप कुछ अच्छी वीडियो देख रहे हो पढ़ाई से, लेट से आपने क्वेश्चंस देख लिए, ठीक है, बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो देख निकालते हैं, हमारा निकालो प्रीलिम सेशन आता है, आपने वो देख लिया, तो उससे क्या होगा आपका कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धन ही हो रहा है। 5-7, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट देख लो, उसके बाद बंद कर दो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, अपने मन को आपको शांत रखना है। ओम शांति, शांति का मंत्रा अडॉप्ट कर लो टिल प्रीलिम्स। बहुत, मुझे पता है कि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस के साथ साथ बहुत एंजाइटी भी होता है कि यार मुझे आज स्पेक्ट्रम कंप्लीट करना था, मैंने नहीं किया, मुझे आज लक्ष्मीकांत कंप्लीट करना था, मैंने नहीं किया, और उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो एक आपको टाइम निकालना है, कभी भी दिन में 10-5 मिनट का टाइम निकाल लीजिए, उस टाइम पर 5 मिनट भी अगर आप मेडिटेट करते हो दैट इज़ मोर देन इनफ। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करना है। टेक डीप ब्रेथ्स फॉर दोज 5 मिनट्स, ठीक है, इट विल गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। आपको, मुझे पता है लोग बोलते हैं मेडिटेशन में यहाँ ध्यान लगाओ, वहाँ ध्यान लगाओ, नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग, ट्राई टू ब्रीथ डीपली फॉर 5 मिनट्स अ डे, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप पढ़ने बैठते हो दोस्तों, कभी भी खाली पेट मत बैठना, ठीक है। मेरा ये मानना है कि भूखे पेट भजन नहीं होता ईश्वर का, तो एक सेइंग भी है इस पे कि भूखे पेट भजन नहीं होए गोपाला, ले तेरी कंठी ले तेरी माला। तो आप ये सोचो कि जब भूखे पेट भगवान का भजन नहीं हो रहा है, ईश्वर का वो हम याद नहीं कर पा रहे हैं, तो हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ने बैठिए ये ध्यान में रखिए कि यू आर फुल, क्योंकि अगर नहीं है तो भूख भी लगेगी, सिर भी चकराएगा, चक्कर भी आएंगे और डिजीनेस भी फील होगी, ठीक है। तो अच्छा हेल्दी फूड खाइए इस टाइम पर, और अपनी रूटीन को ज़रूर मेंटेन रखिए। और जब आप उन 30 मिनट्स में पढ़ रहे हो ना, तो उस वक्त पे अपने फ़ोन को, जो आपका ये पर्टिकुलर फ़ोन है बेसिकली, इसको स्विच ऑफ कर दो, या इसको अपने आप से दूर हटा दो, साइलेंट कर दो, कुछ भी कर दो। और जो सबसे हार्डेस्ट चीज़ है उसी से हमेशा शुरुआत करिएगा, रिवीजन की, ठीक है, ओके। और जब भी पढ़ने बैठो तो एक और चीज़ है कि भाई कंफर्टेबली बैठना, ये नहीं कि आप बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन में हैं। ये सारे तरीके हैं जो भी आपको डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं उनको हटाने में। इसके अलावा भी अगर आपको कोई अलग टाइप की डिस्ट्रैक्शन हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में या फिर कम्युनिटी स्पेस पर लिखकर हमें बताइए, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मुद्दा आता है कि भाई फोकस्ड कैसे रहना है। फोकस्ड का मतलब ये है कि तत्पर कैसे रहना है हमें अपने गोल के प्रति, कि जो गोल हमने अपने आप को 30 मिनट में दिए हैं उसके लिए हम कैसे स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, एक कुछ 5 लक्षण होते हैं विद्यार्थी के, कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इनमें से स्टार्टिंग की 3, या चलो अगर 2 भी आप ले लेते हो ना, स्टार्टिंग के 2 को जो है अपना मूल मंत्रा बना लो, काक चेष्टा और बको ध्यानम, कौवे जैसी चेष्टा और बगुले जैसा ध्यान, ये 2 चीज आपको हेल्प करेगी। ये 2 चीजों पर आपको काम करना है कि काग जैसी चेष्टा आपकी हो और बगुले जैसा ध्यान आपका हो। क्यों? क्योंकि ध्यान रहेगा तो ही आप फोकस रहोगे, और चेष्टा रहेगी तभी उस गोल को अटेम्प्ट करने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले सपोजिटली आपका गोल है प्रीलिम्स 2022 का, राइट, तो आपको जहाँ भी आप पढ़ने बैठते हो, ठीक है, जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पर एक बड़े से पेपर में, A4 साइज पेपर में, कॉपी के पेपर में लिख के लगा दो अपने आँखों के सामने। तो वो चीज़ आपको ना लगातार इंडिकेट करती रहेगी कि नहीं, प्रीलिम्स 2022 के लिए आपको पढ़ना है। दूसरी चीज़, एक प्लान बनाइए कि कौन कौन से 30 मिनट में कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। एक टारगेट वाइज प्लान बनाइए, ठीक है, कि आज क्या 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 आपको करना है। जब आप सुबह उठते हो तो उठ करके सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको प्लान बनाना है, या फिर रात में सोने से पहले आपको नेक्स्ट डे का प्लान बनाना है। ये नहीं कि मैं पढ़ने बैठ गया लेकिन मेरे पास कोई प्लान नहीं है, अभी ये पढ़ लेते हैं, चलो मन हुआ तो वो पढ़ लेते हैं, जी नहीं। हमेशा अपनी इस प्लान की सुनो, अपने मूड की नहीं। मूड तो कहेगा सो जाओ, मूड तो कहेगा वेब सीरीज देख लो, मूड कहेगा सॉन्ग सुन लो, बिल्कुल नहीं। मूड को कंट्रोल करिए। बी द मास्टर ऑफ योर ओन माइंड एंड डोंट लेट योर माइंड बी द मास्टर ऑफ यू, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप अपने मूड को कंट्रोल कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी योर ओन हीरो। कौन क्या कहता है दैट डजंट मैटर, आप अपने आप के हीरो बनो, और वो आप तभी बन सकते हो जब आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाओगे। उसके लिए आपको फोकस रहना होगा, और फोकस के लिए क्या करना होगा, अपने प्लान को, अपने गोल को सामने रखो, अपनी जो ध्यान वाली चीज़ें, जो कंसंट्रेशन पावर है उस पर फोकस करो, ठीक है।
ओके, तो ये कुछ तरीके थे हाउ टू स्टे फोकस फॉर योर प्रीलिम्स 2020। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक सबसे अहम बात मैं आपको बताने जा रही हूं, दैट इज द मेन एसेंशियल टिप, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, स्टे अवे, टेल देम टू जस्ट गो ऑन, ठीक है, कि आप जाइए भाई, मुझे आपकी बातें नहीं सुननी है, टेल देम ऑन फेस, लोग आएंगे आपको लो फील कराएंगे, बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, अरे ये नहीं किया, अरे ये भी नहीं किया, अरे ये कब करोगे यार, इतना सारा सिलेबस है, अरे तुमसे तो नहीं हो पाएगा, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम टिल योर एग्जाम, नमस्ते कह दो उनको, बोलो भाई जाओ यहाँ से आप, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और आपकी जो भी मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, ना कि हर सॉल्यूशन के लिए एक प्रॉब्लम। ये नेगेटिव लोग क्या करेंगे, इनके पास हमेशा एक प्रॉब्लम होगी हर प्रकार के सॉल्यूशन के लिए, तो इनकी मत सुनो कि भाई तुम्हारी तो एज निकली जा रही है, कब करोगे, जस्ट डोंट लिसन टू देम, आस्क देम यार प्लीज गो आउट, ठीक है, लेट मी कंसंट्रेट, लेट मी स्टडी, आस्क देम ऑन फेस। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि भाई आपको मजबूती दिखानी होगी, चाहे वो कोई भी हो, अगर आपको नेगेटिव चीजें कह रहा है बोल दीजिए कि भाई मुझे नहीं सुननी आपकी बकवास, आप जाइए यहाँ से, और जस्ट यू लीव फ्रॉम देयर, अपनी बुक कॉपी उठाओ वहां से चले जाओ। अगले कुछ दिनों के लिए दोस्तों ये टिप्स अपनाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इमोशनली आपको, या आपको टारगेट कंप्लीट करने में, हमसे कॉन्टैक्ट करिए, हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या खाएं और क्या ना खाएं, उसका बहुत ध्यान रखना है आपको, तो अपनी फूड हैबिट्स को नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए टिल योर एग्जाम ध्यान में रखिए। क्या क्या लेना है आपको, वॉलनट्स लीजिए, ठीक है, ओट मील लीजिए, पम्पकिन सीड लीजिए, ब्लूबेरीज लीजिए, योगर्ट लीजिए, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो एग्स ले सकते हैं, ठीक है, एवोकाडोज लीजिए, फिश ले सकते हैं अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो, ठीक है, पेपरमिंट टी या ग्रीन टीज का यूज करिए, डार्क चॉकलेट खाइए, कोई भी ऐसी चीज मत खाइए जो कि आपको और लेथार्जिक बनाए, ईट गुड फूड, ठीक है, अडॉप्ट गुड हैबिट्स, ओके, घर में बोल दीजिए, अगर आप घर में पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी मदर को बोल दीजिए, या जो भी है आपकी हेल्प कर रहे हैं या कुक हैं आपके, उनको बोल दीजिए कि भाई मुझे सिर्फ हेल्दी चीजें ही खानी है, नथिंग वेरी ऑयली या बहुत लेथार्जिक, ऐसी कुछ भी नहीं खानी है, ठीक है, ओके। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है, कोशिश करो उसको रिकॉल करने की, क्योंकि अगर रिकॉल करोगे तो ही आपको मदद मिलेगी। तो जो भी आपने पढ़ा पहले 30 मिनट्स में, 10 मिनट के बाद जब आप ब्रेक लेते हो उसके बाद कोशिश करिए क्या पढ़ा था मैंने, ठीक है, फिर एक दिन के बाद कोशिश करो कि अरे यार पिछले पूरे दिन में मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, फिर एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एंड दिस वे इट विल गो ऑन। और इनफैक्ट जब आप एग्जाम रूम में जाते हो ना, उस टाइम पे आपको बहुत एंजाइटी होती है, तो उस टाइम पर अपने आपको बस ये कहो कंसिस्टेंटली कि आपने रिकॉल किया है, आपने पढ़ाई की है, एंड यू विल डू इट, ठीक है। और जितनी भी रिकॉल करने की चीज़ें हैं वो आप कैसे कर सकते हो, सो बाय रीडिंग दैट स्टफ, बाय राइटिंग, बाय ड्राइंग, ठीक है, टॉकिंग, एक्टिंग, थिंकिंग, एनीथिंग अबाउट दैट। जरूरी नहीं कि बैठ के मैं लिख रहा हूँ तभी मैं रिकॉल कर रहा हूँ, जी नहीं, अगर आप उसके बारे में बात भी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्रेसिडेंट की पावर्स करी थी या ऑर्डिनेंस पावर करी है, आप उसकी बात करते हैं, आपको पता है आप किसी से बात कर सकते हो, डिस्कस करो, ठीक है, अपने आप से बात कर लो, कोई नहीं है तो, ठीक है, हाँ मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये किया था, ओके, ये प्रोविजंस होते हैं, ये आर्टिकल्स है, ओके, दैट इज इट। साइंस का कोई फंडा पढ़ रहे हो तो साइंस की चीज़ें वो कर लो, रिकॉल कर लो, ये एयर टू एयर है, ये एयर टू वाटर है, ठीक है, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, ओके, सो ये चीज़ मत भूलिएगा, जो भी पढ़िए उसको रिकॉल ज़रूर करिए। और अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो यकीन मानिए डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होंगी, आप फोकस भी रहेंगे और आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों ये इतनी ही थी चीज़ें, अगर फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, प्लीज़ राइट टू अस, वी विल अश्योर यू दैट वी विल हेल्प यू आउट, क्योंकि एग्जाम्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इमोशनल मत होइए, सारे इमोशनल ट्रॉमाज आएंगे आपको, जस्ट कीप इट अवे, ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड, ठीक है, अपने ब्रेन को कंट्रोल करिए और आप सभी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.